दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाला है वो है हमारे वाईफाई। दोस्तों हमने अक्सर हमारे घरों में वाईफाई लगा होता है उसकी स्पीड जो है काफ़ी हद तक दुगनी होती है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो स्पीड है काफ़ी कम आती है, वो क्या मसला है? तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको जो है स्पीड डबल करके बताऊँगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड आप चेक कर सकते हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर स्पीड जो है टेस्ट हो रहा है 1.8, 1.7, लेकिन मैंने तो 10 MB का जो है लगवाया हुआ है इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा कम क्यों है? तो इसके अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हम जो है चले जाते हैं अपने वाईफाई में। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल का वाईफाई जो है कनेक्टेड होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। आपका वाईफाई जो है कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर जो है मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, मैंने चले जाना है यहाँ के इसके जो है मैनेज नेटवर्क पे हमने चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हम जो है शो एडवांस पे चले जाते हैं। शो एडवांस पे जाने के बाद जो है हमने चले जाना है, जो है जाने के बाद DHCP, यहाँ पे जो है हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है DSN, जहाँ पर जो है DNS जो है 1, इसके अंदर जो है हम लगाएंगे 1, आगे हमने लिखना है .1.1.1, उसके बाद नेक्स्ट जो है DNS2, ये बैकअप होता है, इसके अंदर आपने लगाना है 1.0.0.1। तो इसे जो है हमने सेव कर देना है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इसे हमने जो है सेव कर देना है। ये जो है हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अब हम करते हैं इस मोबाइल का स्पीड टेस्ट। यहाँ पर हम गो पे क्लिक करते हैं। आपको मैं आईफोन के अंदर भी करके बताऊँगा ये टेस्ट। तो ये यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक दुगनी स्पीड हो चुकी है। यहाँ पर जो है 6 आ रही है, 6.70, मतलब कि 7 MB आ रही है यहाँ पर स्पीड। वाओ, 7 यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 7 MB आ रही है। तो वाओ यार, कमाल हो गया। अब हम बात करते हैं आईफोन की। आईफोन के अंदर हम चले जाते हैं। आईफोन के अंदर जाने के बाद हमने चले जाना है इसके वाईफाई में। वाईफाई जो है इसका कनेक्टेड होना चाहिए। वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पे वाईफाई में चले जाते हैं। वाईफाई में जाने के बाद हमारा वाईफाई जो है कनेक्टेड होगा। यहाँ पर हम वाईफाई कनेक्टेड हो, यहाँ पर हम चले जाते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन में हम जाने के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर DNS पे जाने के बाद मैनुअल पे करके थे हम जो है उड़ा देंगे। यहाँ पर एड सर्विस करेंगे। एड सर्व करने के बाद यहाँ पर भी 1.1.1.1 एड सर्वर, यहाँ पर बैकअप लिखेंगे यहाँ पर 1.0.0.1। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम गो कर देंगे। तो इसका भी हम स्पीड टेस्ट कर देते हैं। स्पीड टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम पेज जो है रिफ्रेश कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। इसका जो है टोटल स्पीड टेस्ट इसकी भी हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर जो है स्पीड हमें कितनी मिलती है। तो यहाँ पर हम गो पे क्लिक कर देते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इसकी स्पीड कितनी आ रही है हमारे सामने। तो यहाँ पर आप जो है कनेक्टिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसकी भी स्पीड काफ़ी हद तक दुगनी हो जाएगी। इसके अंदर भी स्पीड जो है सेम आ रही है। वाओ, कमाल हो गया यार। ये ट्रिक्स जो है न्यू है, और जो है इसी तरह की अमेजिंग ट्रिक्स और कुछ न्यू आएगा यूट्यूब पर। मैं यूट्यूब के ऊपर न्यू लेके आऊँगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक में और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्पेशल वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।